पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए। अलीगंज, कानपुर रोड, गोमती नगर में नए मामले सामने आए। निरीक्षण के दौरान विकासखंड में जल भराव था और वहीं पर ये नए मरीज डेंगू के सामने आए। और डेंगू के मरीज सामने आने के बाद 5113 घरों का स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण भी किया है। तो एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ अब डेंगू भी अपने पैर पसारने लगा है। डेंगू के भी नए मामले सामने आने लगे हैं। 6 मामले दर्ज किए गए डेंगू के लखनऊ में पिछले 24 घंटे में। तमाम जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता अबू तला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अबू, एक तरफ कोरोना अभी अपनी रफ्तार में है, मामले कोरोना के ही सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब डेंगू का भी कहर देखने को मिला। 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं डेंगू के। जी देखिए, बिल्कुल, अगर आपको बता दें तो डेंगू के मरीज हैं वो लगातार राजधानी लखनऊ में मिलते जा रहे हैं। हालांकि पर डे देखा जाए तो एक दर्जन से कम या एक दर्जन तक जो पेशेंट है डेंगू के वो मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग जगह जगह लखनऊ के हर क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहा है। कल भी लगभग स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5000 घरों का निरीक्षण किया था और कई कम से कम लगभग एक दर्जन लोगों को 12 लोगों को नोटिस दी गई थी। जहां पे विकास खंड गोमती नगर में स्थित विकास खंड है वहां पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर कई जगह गंदगी पाई गई और जल भराव पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 12 लोगों को नोटिस दी और उन पर जुर्माना भी लगाया कि आसपास के जो घर के आसपास जो कूड़ा जमा होता है, जो जल भराव रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने उनको नोटिस दिया। और ये भी देखा जाए तो जो डेंगू के मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और आए दिन स्वास्थ्य विभाग लखनऊ के हर क्षेत्र में निरीक्षण कर रहा है और डेंगू से बचने की लोगों को सलाह बता रहा है। जी जी अबुदला, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।